अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को एवरीथिंग के जी चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों आज जो आप लोगों ने देखा होगा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक वाक़या पेश आया, गुजरात में पाकिस्तान को लोगों ने मुख्तलिफ आवाज़ों से पुकारा, उसके मतलब दोस्तों एक खबर चल रहा है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हो सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का बड़ा तारीफ़ फैसला, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकद्दस पामाल करने और नाराबाजी करने वालों को 60,000 रियाल जुर्माना, 5 साल कैद और तहायात पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। वीडियो के जरिए नारे लगाने वालों की शनाख्त कामल शुरू कर दिया गया। ये दोस्तों मुख्तलिफ पाकिस्तानी चैनलों ने भी ब्रेक किया है। ये दोस्तों वीडियो है जो मंसूब किया जा रहा है, ये जो पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए ये दोस्तों बता रहे कि मुंतका शर्किया यानी दमाम या खुबर या चुपेल मुकवनत 24 मुकीमीन मिन जिंसियत पाकिस्तानी है। ये दोस्तों मदीना में नाराबाजी करने वाले या उधर कोई और हरकत करने वाले पाकिस्तानी नहीं है, ये वो पाकिस्तानी है कि भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका 1 लाख रियाल इनाम निकला है, अपना बैंक अकाउंट नंबर बताएं, बैंक का मालूम है ताकि हम आप लोगों के बैंक अपडेट कर सके। ये दोस्तों चंद महीने पहले पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया, तकरीबन 24-25 पाकिस्तानी थे जो लोग पेक SMS पेक कॉल वगैरह करते थे, जिसने लोगों से तकरीबन 35 मिलियन रियाल बटोरे थे सऊदी और गैर मुल्कियों से। तो दोस्तों ये पुरानी वीडियो है, ये मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, अभी तक कोई भी ऐलान नहीं हुआ। मैं आप लोगों को लेके आता हूँ, ये सऊदी का सरकारी है मेरे साथ, मैं ट्विटर वैसा इसके अलावा भी देखता हूँ, बाकी न्यूज़ भी ये आप लोग देख सकते हो, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये जो दोस्तों मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब 7 AM है, सुबह के 2 बज गए हैं, उसका ट्विटर है ये आप लोग देख सकते हो, 1 घंटा पहले ये भी है। इधर सिर्फ एक पोस्ट किया गया है शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक, रईस वज़रा जमहूरी पाकिस्तान यज़र मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अखबार भी दिया है, सिर्फ यही तस्वीर 2 घंटे पहले दिया गया, बाकी किसी भी किस्म का हुक्म नहीं दिया गया। न अगर हुक्म दिया जाता तो मोहम्मद बिन सलमान की जगह नियाबत अल आमा देता, वो हुक्म करता कि जो लोग नाराबाजी कर चुके हैं उसको गिरफ्तार किया जाए। बाकी दोस्तों ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ये पुरानी है, ये उन पाकिस्तानियों के मुतालिक है जो लोग उसे पैसे बटोर देते हैं गलत तरीक़ों से, पे के SMS से, पे कॉल से, बैंक वगैरह अपडेट कर देते हैं। अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं आया किसी भी सरकारी, न वास ने किया है, न अरबोस्ट्रीम ने किया है, न फरात अखबारिया ने किया है। अगर नियामत आमा भी नहीं करता तो ज़रूरी अमीर मदीना मनवरा हुक्म देता है इन लोगों की गिरफ्तारी का, लेकिन अभी तक ऐसा ऐलान नहीं हुआ है। ये जो पोस्ट किया जा रहा है कि लोगों को वीडियो देख देख कर गिरफ्तार किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया ताकि लोग अपने अपने वीडियो डिलीट करें।